हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल इंस्टेंट केसर नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप 5 मिनट में बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। इसे बनाने के लिए न मावा, न चाशनी, न कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ज़्यादा खर्चा के बहुत ही कम सामानों से यह लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। बिल्कुल आपको लगेगी जैसे मार्केट में हलवाई लोग के यहाँ से लड्डू जो आता है ना, बिल्कुल टेस्ट वही रहेगा और हेल्दी भी रहता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए, मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाने वाला। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला मिक्सी जार लिया है और यहाँ पे एक कप मैंने मिल्क पाउडर डाला और आधा कप और डालेंगे, यानी एक और आधा डेढ़ कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो आपके ग्रोसरी शॉप में मिल जाए। और यहाँ पे एक कप चीनी डालेंगे। एक कप में मैंने 4 चम्मच कम डाला है और आधी चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे और एक कप दूध डालेंगे, एक कप यानी कि 250 ग्राम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कवर लगा के ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, कवर हटाएंगे। देखिए, स्मूथ सा रेडी हो गया। इसमें मिल्क पाउडर का लम्स भी नहीं है, चीनी भी पिसा गई है। अब इसे रखेंगे साइड पे और यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें एक छोटे चम्मच घी डालेंगे। सिर्फ एक छोटे चम्मच घी से ये हमारा लड्डू बन जाएगा। 1 kg से ज़्यादा लड्डू बन के तैयार हो जाता है, घी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोकोनट पाउडर लेंगे, जिसे आप खोपड़ा का पाउडर या नारियल का चूरा जो भी इसे बोलें। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कोकोनट पाउडर यानी नारियल का चूरा ले लिया है। ये आपको नारियल का चूरा आपके नज़दीकी किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, नारियल के चूरा को इस कढ़ाई में डाल देंगे और यहाँ पे आँच मीडियम टू लो रखिएगा। यहाँ पे मीडियम टू लो आँच पे इसको 1 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। ज़्यादा देर नहीं भुनना है, बस इतना भुनना है कि इसका कलर चेंज नहीं हो, सिर्फ कोकोनट पाउडर यानी नारियल के चूरे का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए, एक अरोमा सा यानी खुशबू इसकी निकल के बाहर आ जाए। उतना ही देर इसको भुनना है, सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भुनिएगा। तो देखिए, 1 मिनट हो गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब यहाँ पे जो मैंने मिल्क पाउडर और चीनी सबका ग्राइंड करके रखा था, यहाँ पे डाल देंगे। एक दफ़ा ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा यहाँ पे एक दफ़ा डाल दिया, पतला होगा तो जो आप भुनेंगे ना तो उड़ेगा, उसके छींटे आपको पड़ जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा डाल के मैंने इसको मिक्स किया, बाकी सब डाल देंगे। जितना था मैंने सब डाल दिया है। और यहाँ पे क्या क्या था, मैंने 2 चम्मच दूध में, गरम गुनगुना दूध में, यहाँ पे कुछ केसर के धागे डाल दिए थे, क्योंकि केसर नारियल के लड्डू बना रहे हैं तो केसर तो इसमें पड़ेगा ही। अगर आपके पास केसर ना रहे तो बिना केसर के भी ये लड्डू आप बना सकते हैं, टेस्ट में चेंज नहीं आएगा। बस इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, आँच मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो आँच पर ये हमारा लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह मीडियम आँच पे इसकी भुनाई करते रहना है, जब तक इसमें जो दूध डाला है वो सूखे नहीं और ये डो फॉर्म में ना आ जाए, तब तक इसको मीडियम टू लो आँच पे चलाते जाना है। यहाँ पर छोड़िएगा मत चलाना, अगर छोड़ देंगे तो नीचे बैठ जाएगा तो जल जाएगा, तो हमारे लड्डू में फ्लेवर ख़राब आ जाएगा, तो हमारा लड्डू ख़राब बन जाएगा। तो इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे इसको चलाते जाना है, जब तक ये एक डो फॉर्म में ना आ जाए। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या फेस्टिवल रहे, फेस्टिवल में बाहर में तो मिलावटी मिठाई मिलती है तो वो तो अनहेल्दी होता है, तो आप इस तरह से 5 मिनट में बिल्कुल कम टाइम में बिना झंझट के झटपट ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह चलाते हुए देखिए, इसका सारा दूध सूख चुका है, डो फॉर्म में आने लगा है। तो यहाँ पे इस तरह हाथ में लेके चेक कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह थोड़ा सा लेके गर्म है, केयरफुल्ली कीजिएगा, हल्का हल्का गोल हो रहा है यानी बिखर नहीं रहा है, तो एकदम परफेक्ट है ये लड्डू बनने के लिए। अगर बिखर जाए तो ज़रा सा और उसको 1-2 हाथ और भून लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर गैस बंद कर दीजिएगा। गैस बंद करने के बाद इसको इस तरह 1 मिनट चला लीजिएगा, क्योंकि बर्तन गर्म है, नीचे बैठ जाएगा। तो इसी तरह चलाने के बाद क्या करना है, अब इसे एक प्लेट पर निकाल के रख लेंगे और हल्का ठंडा हो जाएगा, यानी हल्का गुनगुना से ये लड्डू बनके तैयार होता है। अभी ज़्यादा गर्म है, अगर अभी बनाएंगे तो हाथ जल जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे नारियल का चूरा रख लेंगे और यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया, हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे, एक पोर्शन ले लेंगे।
साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, हाथों में लेके इस तरह गोल गोल लड्डू जैसे बनाते हैं उस तरह कीजिएगा। देखिए कितना आसानी से ये बन के तैयार हो रहा है, कहीं पर से ब्रेक भी नहीं हो रहा है, इनकी परफेक्ट डो तैयार हुआ है नारियल का लड्डू बनाने के लिए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से चिकना भी हो गया, एकदम परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो गया है। अब बनाना कितना आसान है, अब जो नारियल का चूरा रखा था ना इसके अंदर डाल के इस तरह हल्के से हिला लीजिएगा कि हल्का सा इसके ऊपर नारियल का चूरा का कोट लग जाए, यानी कि नारियल का लड्डू बना रही है तो हल्का सा इस तरह करने से नारियल का लड्डू देखने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बिना झंझट के झटपट हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू बन के रेडी हो गया है। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसे रखेंगे प्लेट पे। यहाँ पे मैं फिर से एक दफ़ा आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कोकोनट पाउडर यानी 3 कप और 1.5 कप मिल्क पाउडर डाला था और 1 कप से 4 चम्मच चीनी डाला था और 1 कप दूध डाला था यानी 250 ग्राम आधा चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर और कुछ धागे केसर के मैंने डाले थे। बस इतने ही सामान से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल लग रहा था कि एकदम मावा डाल के तैयार किया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर न रहे तो बिना मिल्क पाउडर के भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से इंस्टेंट 5 मिनट में केसर नारियल लड्डू बन के तैयार हो चुका है। देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, जितना देखने में लगता है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा था। एक लड्डू मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए तोड़ने ही से आपको इसका टेक्सचर समझ में आ रहा होगा कितना दानेदार सॉफ्ट बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बन के तैयार हुआ। तो इस फेस्टिवल रक्षाबंधन में आप बनाएं, अब भाई को खिलाएं, आपके भाई बहुत ही खुश होने वाले हैं। और अंदीना भी आपको जब भी मीठा कुछ खाने का मन करे, जैसे बच्चों लोग को खाने का मन करता है, तो इसे बना के 15 दिन तक फ्रिज में आप स्टोर भी कर सकते हैं। 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसको अच्छे से मैंने भून के बनाया है, जिस तरह मैंने बनाया उस तरह से आप बनाएंगे तो इसका आप 15 दिन तक रख के अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आज की इंस्टेंट नारियल के लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ओके बाय, मैं फिर मिलूंगी